असा के तो लेबल आनी हरास करे तवान करे धड़का दई गुम करे दामान कंदो तो बस आवाज उतारियो हु धरती टीवी ते ता दोस्तन को पैगाम देनो असा रियासत के खिलाफ नायू पर असा के जुल्म ते चुप भी त नजर आई सकू इन करे मां पांजी साफ साइड ते करे मां पांजी बोली साइड ते करे मां पांजी सरकरी सरकी बिरादरी साइड ते करे एक एजेंडा थी निको मां इरशाद रंजानी सा थ्रू आउट कैरियर साफ थी कैरियर में वध में वध बैठे बेरा प्रेस कर ते मिलो मुंजी वेजाम सा ना रही पर जदे उन जी वीडियो दिसौ था जदे उन जो फ्री उतर उती किरण तड़पन दिसौ था त हर के जो जमीन झंझोरे तो उन के उता खणी उन का बाद में गोली होनी जदे उन के खबर पिया ते बेडो इंसान के सा मारे चुका हूं गोली वो उन के खत्म करने के लिए उन के मगज में गोली होनी उन के कने जेठा गोली होनी उन के शहीद कयो बा इन में असी समझदा त पुलिस ऑफिसर मुलविस है पूरा सिंधी गड आयु मुतहद आयु असि चाहूँ था इंसाफ किया वे इरशाद रंजाणी जो बेगुनाह कतल थोड़े गुंडे लोफर उनके बेवाजबी कतल किया बेगुनाह कतल किया असा चाहूँ था वो सिर्फ गिरफ्तार तो न थे पर उनके फाही भी दिनी वे जिन गोलियों हणी एम्बुलेंस में उनके वात में गोली हणी उनका सवाल कर बो ने तू नालो बुदा तू छा ये देखो हत जे झागुन में चले पियो और जो आलू का झोला सबका पहली उनके गिरफ्तार कर ने उनका बोन कुत्ते पठान कुत्ते के गिरफ्तार कर ने जे असा जे धरती ते असा के गोली हणी थुदा हणी चे तो मादर जो लेच सारी दुनिया देखो के बेदर्दी सा कड़ी बेदर्दी से डी रोड से कत्ल किया वो रहीम शाह जहाँ पाँजा ही मुतदादी बयान जिनमें वो पा फासे तो कानूनी तौर से असो यो ही मुतालबो आ रहीम शाह के फौरी तौर से गिरफ्तार कर सजा दी वे हाँ चवें तो यहाँ सिंधी मानून के लिए वही चैलेंज आ कराची में अंदर ये जे चे तो जैसे फोरू हो तो समझा तो इनके चैलेंज तो दें तो ये जो लुई वोका है मुझे सामू गुजरी दिखारे ये इन जो नाजायजी कई है जानी वाणी रस्ते ते रस्ते वेंदड़ के गोलियों हणी तशद्दुद कयो वियो आ उसको अस्पताल ले गई इसलिए कि इस कत्ल में पुलिस भी इन्वॉल्व है। मैं ये और मैंने आज ऑर्डर किया है और मैंने कहा है कि जो पुलिस वाले ने ये इंसानियत मर गई है वो बंदा चाहे चोर हो टके तो मैंने अल्ले मैं एक तो उसको लिखते हैं डेकोइट वो भाई तुमने तफ्तीश ये कर ली अभी तक के वो डेकोइटी थी बाकी जो उसको मरता हुआ देखा वो तुम्हें नजर नहीं आया उधर जो तड़पता हुआ वो नजर नहीं आया तुम लोगों को वो डेकॉर्ड लिखते हो उसको कई बार मैंने कहा भाई जब तक तुम अभी तो खुद कह रहे हो तफ्तीश नहीं हुई जब तक तफ्तीश नहीं होती आप इसको कुछ लफ्ज ना कहें समूरी सिंध में अज इंसानियत जो आवाज इरशाद रंजाणी के कातिल के गिरफ्तार कयो सिंध के इंसाफ दियो कातिल रहीम शाह के गिरफ्तार कयो इरशाद रंजाणी के कातिल के सजा दियारण के लिए वे तदाद में सिंध के राजधानी वाले शहर कराची में कारसाज चौक से कॉम्प्रस्त सिविल सोसाइटी साफ़ जो वे अंग में धरणो जैमें उन्होंने मुतालबो किया सिंध हुकूमत अना कातिल के गिरफ्तार न कर सकी है सिंध हुकूमत नकीबला वे केस का वी इरशाद रंजाणी ती पे जिबान के तालो हणी छोड़ो है असारे प्यार रोडन से शहीद कर
गुथा अल्फाज गाला वा यो अस कतई बर्दाश्त न कंदी या उन भुल है तो अस चुप रही शहीद के खून से इंसाफ कर वे अरशाद राजानी के सिलसिले में इतने अजो मुख्तलिफ तंजीमन पारा जो एतजाजी धरणो दिनों है पुरमन धरणो अचो तो इन धरने में अस पूछू था इनकी राय है जी सर मैं बुधा अरशद राजानी जो कतल थोड़ा चवण है अदा माँ जो तलुक मलीर बार एसोसिएशन से असि हद के अंदर ही जो थानो है शाह लतीफ उनमें वही बेदर्दी से इरशाद राजानी के कतल किया इनमें मलीर बार एसोसिएशन जो हड़ताल भी कई शहीद के वारसन से मुनवर उन मीटिंग भी कई अस चाहूँ था तो उन्होंने मदियत में एक फायर कटी वे जैमें पुलिस भी दहशतगर्द से मुलवस है जैसे कर शाम तुभाने फायर भी कटाई असं इंसाफ मिलने तीन मलिर बार जहाँ समूरा वकील शहीद इरशाद रांझाणी के वारसन से गुड आयो कदम में कदम मिले साथ दींदी हाँ अज उनके गिरफ्तार किया जवाबदार के पर वह गिरफ्तारी ना है वह प्रोटेक्शन उनके वही इज्जत से मत विहार वो है असं समझा तो सुे उन दहशतगर्दी कोर्ट में जेस तीन पेश नो वे तो असं मुतमिन नींदी वकील आई खबर होंगी अरशद राजानी के मत केस दाखिल किया हुआ या केस आन या वो बेगुना मारे न अड़े किस्म जो को भी नजर में केस को उड़ा हि जो मन गलत गाल फैलन सिर्फ उन शहादत के बो रंग दिन के लिए ये गाल कन उन वेचारे जो को भी बेकसूर इंसान शहरी हो आम शहरी हो जैसे वही बेदर्दी से इन पठान शख्स कत्ल किया है असी उन कत्ल की मजम्मत क्यों था वही गाल तो जी मेल उन वीडियो में तुम क्लियर ऐसो तो वो जी मेल जमीन से तड़पी रो है तो उन मगज में गोली लगल ना कन के हेठा गोली लगल ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मूट वह डिठी आ उन्हें उनके मगज में गोली लगी काज ऑफ डेथ जो है उनको वह गोली है इन जो मकसद आ तो उनके उतार खड़ी उन्हें का बाद में गोली हणी जैसे उनके खबर पी आते बेडो इंसान के मारे चुका हूँ गोली वो उनके खत्म करने के लिए उनके मगज में गोली हणी उनके कन के हेठा गोली हणी उनके शहीद किया इन में असं समझा तो पुलिस ऑफिसर भी मुलविस असं उनके उनको हिस्सों बनाईदी एफ आई आर जो जिन भी शहीद किया बिज़ाहिर एकड़ो मानू आ पर उनके पोया खोड़ मानू है जैसे कतल में मुलविस जी बिल्कुल मुझी एस एच ओ से गाल शाह लतीफ वाले से उन्हें तस्दीक कई तो उनके गिरफ्तार किया पूरा सिंधी गड आयो मुतहद आयो अस चाहूँ था इंसाफ कर वे इरशाद रांझाणी जो बेगुनाह कतल थोड़े गुंडे एकड़े लोफर उनके बेवाजबी कतल किया बेगुनाह कतल किया अस चाहूँ था वो सिर्फ गिरफ्तार तो नए पर उनके फाही भी डी वे छो तो ये असखे सिंधन जो मुतालबो असा जो कॉल कई हुई समूरन सिंधन के समूरा सिंधी पहुंची पाया चई वगे टाइम दिनों पर चई वगे का पैर ही मुँह देखो तमाम घना सिंधी मुतहद थी पाया जी भी असाजा सिंधी दोस्त सोशल मीडिया से इन वक्त भी वेठा या किथे किथे भी असें ऐसन था उन्होंने समूर की गुजारिश है तो कीमती वक्त सीड़ा है मेहरबानी करे पांजे लाए टाइम कड़ी करे ही तां जो मसलो आ ये सानो मसलो आ एकड़े इरशाद रांझाणी मसलो ना है ये समय इरशाद रांझाणी जो मसलो आ ये समूरन सिंधन जो मसलो आ मेहरबानी करे घरन मां निकरी अचो ए पाण जे कने घरन मां न निकरंदासी तो पो ई छिड़ छिड़ थी विंदासी ई ई हिकु हिकु थी मारया विंदासी इरशाद रांझाणी जे खून जो असा के इंसाफ खपे ए असा के उन जी गिरफ्तारी भी ठीक आ पर उनके फाई दिनी वने उनके इब्रतनाक सजा दिनी वने जे इरशाद रांझाणी के बेगुनाह कत्ल किया गिरफ्तार गिरफ्तार लाश अस्पताल में अरे तवा गोली है तो मार तो अस्पताल में पुजन दे जको उती पीरी मार दिस तो जको ले जा भाग चो कोने ते नाल ते नाल पुलिस सिंधला कोने का पो पस आने डीएसपी शाहानी जो जको बेरामण कतल थेला छा चवण असा तो दुनिया देखो आ तो के बेदर्दी था
कड़ी बेदर्दी से उनके डी डिठे रोड से कत्ल किया। रहीम शाह जहाँ पाँचा ही मुतदादी बयान जिनमें वो पा फासे तो कानूनी तौर से असो यो ही मुतालबो आ रहीम शाह के फौरी तौर से गिरफ्तार कर उनके सजा दिनी वे तो जी कि बे कें बेगुनाह जो कत्ल या निधड़काई जो को सबब न बढ़े। असानी डिमांड यह है तो रहीम शाह उन गे साथारी पुलिस वारा उन्होंने मतों भी एफआईआर कटी वे इनके फौरन तौर से गिरफ्तार किया वे न तो बी सूरत में असाजा ये एहतजाज जारी रहा जैसे इन कातिल के गिरफ्तार नो वे। जी तो जी सुन कौमी महाज जो कराची जो जिम्मेवार आं चवान तो यहाँ सिंधी मानून के लिए वही चैलेंज आ कराची में अंदर ये जो चे तो जैसे फोरू हो तो समझा तो इनके चैलेंज तो दिया तो ये जो लुई वो का मुझे सामूँ गुजरी दिखारे ये जो नाजायजी कई है जानी वाणी रस्ते रस्ते वेंद गोलू हणी तशद किया मारे कत्ल किया इन इंसानियत के मजहबी हिसाब से पाँगी बेगैरताई दिखारी है असान पुरजोर मदमद क्यों था अस चैन से न वेहंदे अस कराची अंदर जो पार्टी पॉलिसी होंगी उन तरह कम कंदे जो भी हुक्म मिलो अस कराची रोड रस्ता पठन ला नोगेरा कर। मैं खुद पठान हूँ बेसिकली मेरा ताल्लुक क्वेटा से और मैं पूरा वक्त जो मेरा 17-18 साल सिंध में गुजरा है मेरा हर रग और मेरा हर खून सिंध से वाबस्ता है और मैं इस तरह बेदर्दी से जो कत्ल किया गया मैं इसकी बजोर मजम्मत करता हूं और मैं खुली खुली अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरह इसने इंसानियत पूरी इंसानियत को कत्ल किया ये एक पूरे पठान के नाम पर एक दाग है। इस दाग को खत्म करने के लिए ऐसे अगर पठानों की माशरे में या उनकी कौम में ऐसे बंदे पैदा हो जाएंगे शायद हमारे जो पिछला रिकॉर्ड है 100 साल से 200 साल के पठानों की जो गैरत के नाम से ऐसे बेगैरत हमारी कौम में है हम इस पे लानत भेजते हैं। इन्होंने जो किया इसको फांसी मिलना चाहिए इसको वो सजा मिलना चाहिए ताकि आइंदा भी आने वाले नस्ल जो पठानों की याद रखेंगे कि ऐसे बेगैरत हम कौम में पैदा हुआ और उनको आज ऐसे फांसी मिला आइंदा के लिए ताकि कोई भी ऐसे काम ना कर सके। अमरीका मां जी एस एन तहरीक जे अगवान सफदर सर की इरशाद रांझाणी के कत्ल बाबत वाइस ऑफ सिंध टीवी लंडन से गालाइंदे चयो त ये जो ताज़ो वाक्य जीएसएन तहरीक जो इंतहाई अहम दोस्त असो प्यारो दोस्त कराची डिवीज़न जो डीओ इरशाद रांझाणी जै नमूने से बेहिमाना तरीके से जै नमूने से उनके शहीद किया यो हिकड़ी उनकी ताज़ी कड़ी है। जेकड़े असा सिंधी मानू अखियों न खोलियों से असा इजतमाई कौमी गैरत जो मुजाहरो न कियो से इजतमाई कौमी बदी जो मुजाहरो न कियो से तो असा मेसार जी वेंदासो सिंध असा जी अखियों जे अग्यों उनकी जै नमूने सा वालार पई थे जै नमूने सा कटकन जा कटक धारिया सिंध में अचन पिया। खुद तहां अज जी सिंध असेंबली दिसो तो अज घणा परसेंट धारियो सिंध असेंबली में अची चुको आ सुभाणे जेकॾहिं इहा ई सूरताल रही इन ही इहो ही रवैयो असांजो रहियो त असां सिंध जी हिफाज़त करण में सिंध के बचाइण में नाकाम वेंदासीं। मां समुझां थो त तारीख़ मां माण्हू सिखंदो आहे असांखे बि तारीख़ मां पंहिंजी मां सिखणु खपे। हिकिड़ी उहा तारीख़ जेकी 7000 साल अॻे 5000 साल अॻे शानदार हुई ॿी उहा तारीख़ जॾहिं असांखे जिन दौरनि में ग़ुलाम कयो वियो ऐं उन ग़ुलामी सबबु जेके असांजे समाज जे अंदरि जेके बीमारियूं ऐं बुछड़ायूं जेके पैदा थियूं आहिनि मिसाल जे तौर ते अंग्रेज़नि जे 100 सालनि में हिकिड़े क़िस्म जूं बीमारियूं पैदा थियूं नफ़्सियाती ऐं क़ौमी बुछड़ायूं पैदा थियूं ऐं हिननि 70 सालनि में उन खां वधीक अबतर क़िस्म जूं बीमारियूं पैदा थियूं आहिनि। असां में अणसहप असांजी सेल्फिश इंस्टिंक्ट्स जेके आहिनि उहे असां ते ग़ालिब आहिनि असां अॼु सिर्फ़ पंहिंजे मफ़ाद जे लाइ पिया सोचूं अॼु जे लाइ पिया सोचूं पंहिंजे ॿारनि पंहिंजे घर पंहिंजे कुटुंब जे लाइ पिया सोचूं इन खां मथे असांजी निगाह वञे ई नथी। सिंधी कामोरे जो हाल ॾिसो सिंधी वॾेरे जो हाल ॾिसो सिंधी पढ़ियल लिखियल क्लास जो हाल ॾिसो
जेकॾहिं असां पंहिंजो पाण खे न संभालियोसीं, असां जेकॾहिं अॼु इन ते पंहिंजे आवाज़ खे यकजा न कयोसीं, त यकीन ॼाणो त नारायण श्याम वांगुरु अलाह ईअं मथे जो पढ़जे किताबनि में हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। नारायण श्याम इंतिहाई मायूसी जे आलम में चयो, पर मां हिन सिचुएशन में तमामु घणो पुरमीन थियो आहियां। जंहिं नमूने सां इरशाद रांझाणी मुंहिंजो कारकुन, मुंहिंजो दोस्त न हुयो, पर सिंध जे गॾियल शौर, सिंध जी गॾियल ताक़त, सिंध जी गॾियल गैरत, सिंध जे गॾियल रिएक्शन इहो साबित करे छॾियो आहे त इरशाद रांझाणी सिर्फ़ अकेलो कंहिं जमायत जो न आहे। इरशाद रांझाणी सिंधी क़ौम जो हिकिड़ो नौजवान फ़र्द हो जंहिंखे बेदर्दी सां क़तलु कयो वियो। ऐं ईअं नाहे त असां चुप करे वेहंदासूं। इते ई इहो ई क़ौमुनि जे अंदरि हिकिड़ो तब्दीली आणण जो मौक़ो हुजे थो, जॾहिं वाइज़ माण्हू जेके समुझ रखनि था, उहे इन गुस्से खे, इन ग़म खे कंहिं फतह में तब्दील कनि। असांखे हादसाती तौर ते वाक्यनि जे पोयां नाहे रुकणो। कल रमशा जो वाक्यो थियो, उन खां अॻु में हिकिड़ो ॿियो वाक्यो थियो, रोज़ हिकिड़ो नओं वाक्यो क्रिएट कयो पियो वञे। कानून बि हाकिम ऐं ग़ुलाम जे लाइ मुख़्तलिफ़ आहे। सो मोटो फ्रॉम कोर्ट्स इज़ फॉर एवरी वन, फॉर ऑल, नन फॉर सिंधी पीपल। सिंधी माण्हुनि खे सो मोटो जे ज़रिए जस्टिस कोर्टूं न ॾींदियूं। चीफ मिनिस्टर जे हुकुम ते बि कातिल गिरफ़्तार नथो थिए। इन जो मक़सदु आहे त कातिल जे पोयों चीफ मिनिस्टर खां बि मथे धुरियूं जेके आहिनि वेठियूं आहिनि। असांखे समुझणो पवंदो, असांखे सोचणो पवंदो त असां कहिड़े हंध ते बीठा आहियूं। हिन इवन न सिर्फ़ ज़ात पात पर हिन पार्टी बाज़ी वारी सोच खां बि निकिरणो पवंदो। सिंध असांजी पंहिंजी ज़ात खां इंतिहाई अहम आहे। सिंध हूंदी त असां हूंदासीं, असांजा नसल हूंदा, असांजी औलाद हूंदियूं। सिंध न हूंदी त असां मां कोई बि कुझु बि न हूंदो। जो अॻे वारी ख़ुशहाल सिंध जेकी सॼो पाकिस्तान पाले थी, असांजे लाइ बदहाल सिंध आहे। सिंध जूं जा नंढा शहर खणी ॾिसो, वॾा शहर खणी ॾिसो, कराची खे ॾिसो, बहराड़ियुनि खे ॾिसो, ॼण कचिन आबादियुनि में तब्दील थींदा पिया वञनि ऐं धारियुनि जा कटक ईंदा पिया वञनि। त अचो हिन वाके मां सिखूं। मां यकीन सां थो चवां, मुंहिंजो पंहिंजे साथियुनि में, पंहिंजी क़ौम में ईमान आहे। मुंहिंजो रहबर ए सिंध साईं जी एम सर जे फिक्र में ईमान आहे। ऐं इहो वाइदो थो कयां त असां शहीद इरशाद जे कातिल खे जेसिताईं कैफ़ किरदार ताईं नथा पुॼायूं, ख़ामोश न वेहंदासीं। जेतोणीकि हिन रियासत मां असांखे टके जी उमेदु न आहे, पर असां पंहिंजी सियासी अदम तशद जी बुनियाद ते जिदोजहद जारी रखंदासीं। मुंहिंजा साथी, मुंहिंजा दोस्त, हमदर्द, सॼी सिंधी क़ौम, मां सभिनी खे इहा अपील थो कयां त इन ग़म ऐं गुस्से खे हिकिड़े सिर्फ़ हिकिड़े इवेंट ताईं महदूद न कयो। अञा इश्क जा इम्तिहान अॻिते, जिन जे लाइ पंहिंजी पाण खे तयारु करणो आहे। हू ॾिसो नथा त कीअं, हालांकि असां सम्झूं था त असेंबलियूं या ही आइन नंढियुनि क़ौमुनि जी या क़ौमुनि जी प्रोटेक्शन नथो करे सघे मौजूदा सूरत, पर जेकी अरिड़हीं तरमीम कई अथऊं, अॼु उन अरिड़हीं तरमीम जे ख़िलाफ़ ई हिकिड़ो वायुमंडल पैदा कयो अथऊं, हिकिड़ी ॻाल्हि हलाई अथऊं त सूबनि खे, सिंध खे तमामु घणा पैसा मिलनि था जेके रोकिया वञनि। यानी पैसो बि असांजो, उहो रोकियो वञे, पाणी बि असांजो, उन ते डैम ठाहियो वञे, बीमारियूं असांजे ख़िते में
उन्हनि जा अख़्तियार बि ॿियनि वटि हुजनि, असां वटि कुझु न हुजे, असांजे मथे में ऐं नसीब में करप्ट हुकुमरान हुजनि जेके सिंधियुनि जे वोटनि ते अचनि, सिंधी माण्हुनि खे बेवकूफ़ करे अचनि, ऐं पोइ उन्हनि जी जुरत ऐं गैरत इहा हुजे जो हिकिड़े इरशाद रांझाणी खे जेको आहे इंसाफ़ न ॾेई सघनि, उन जे कातिल खे गिरफ़्तार करे न सघनि, रमशा जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे न सघनि, उनखे इंसाफ़ न ॾेई सघनि। सिंध जे नौजवान नौजवाननि खे, उहे छोकिरियूं हुजनि नौजवान छोकिरा हुजनि, तव्हांखे मां तव्हां में उमीद थो सम्झां, ऐं मां सम्झां थो त हीउ वक़्तु तव्हांजो आहे, तव्हांखे माई जिंदो जहिड़ी गैरतमंद ऐं ड्रिघी जिदोजहद जे लाइ तयारु थियणो पवंदो, सिंधी माण्हू खे जाॻाइणो पवंदो, झंझोड़णो पवंदो, हे जेकी निंड में आहिनि, हिन हिन जंहिं जंहिं नशे में ही सुम्ही पिया आहिनि, जंहिंमें ही पंहिंजे वजूद खां इनकारी थी विया, ग़ुलामी खे सुहिणो ऐं ख़ूबसूरत सम्झणु शुरू थी विया, इनखे जाॻाइणो पवंदो। त सिंध ही न हुई, ही असांजे ॾाॾनि परॾाॾनि वारी सिंध न आहे, जाॻायूं। मुंहिंजा नौजवान प्यारा भाइरो भेनरो, साफ़ियो वकीलो दानिश्वरो पढ़ियल लिखियल माण्हू जेको बि असांजे समाज में आहे, मां सभिनि जो शुक्रगुज़ार आहे तव्हां असांजी अपीलुनि खे जेकी मोट ॾिनी आहे, पर इहा मां पंहिंजे तौर ते बि चवां थो, पंहिंजे लाइ बि चवां थो त इहा इनफ न आहे, अञा इन खां अॻिते हलणो आहे, अञा घणो कुझु करणो आहे। साईं जीएमस जे फिक्र खां सवाइ ॿियो को बि फ़लसफ़ो सिंध में हलणो न आहे। सिंध उन मक़ाम ते पहुती आहे या जिते ख़तमु थींदी या जिते तव्हांजी ऐं असांजी कोशिशुनि सां, जिदोजहद सां, हिकमत अमली सां, विज़डम सां, एजुकेशन सां, माण्हुनि खे एजुकेट करण सां हमेशह हमेशह लाइ आज़ादु थींदी। तव्हां ख़ामोशी सां पंहिंजो कमु कयो ऐं हर को पंहिंजे हिसे जो कमु करे पंहिंजी क़ाबिलियत सां, जेकी उनजी क़ाबिलियत आहे उहो किरदारु खणे। सभु किरदार मुंहिंजा नथा थी सघनि, सभु किरदार अलिफ़ जा, बे जा, से जा नथा थी सघनि, हिकिड़ो किरदार जो तयुनि हूंदो आहे, जेको किरदार जंहिं किरदार जी एक्सपर्टी हुजे जंहिं वटि। अचो संजीदा थी करे, मुख़लिस थी करे हिन एके इतफ़ाक़ ऐं गैरत खे ट्रांसलेट कयूं इंटू अ विक्ट्री, द परमानेंट विक्ट्री ऑफ सिंध। साईं जीएमस जी सिंध, लतीफ़ जी सिंध, तव्हांजी असांजी सभिनी जी मदहरु सिंध। अचो ड्रिघी जदोजहद लाइ तयारु थियूं। सिंध जा फर्ज़ंद आहियूं असां, जेकॾहिं कहिड़ी बि तंज़ीम सां गॾु आहियूं त उहा तंज़ीम पंहिंजी जॻह ते आहे, पर असां सिंधी आहियूं। जीअ सिंध, सदा जीए। इरशाद जो रूह मुरिके पियो, इरशाद खे मरण खां अॻु शायदि को असां मां अक्सरियती माण्हू न सुञाणींदा हुजनि, पर हुनजे हिकिड़ो शरई मिसाल थो ॾियां। इहे मज़हबी मौलवी साहिबु चवंदा आहिनि त जनती दोज़ख जो जेको आहे फ़ैसिलो जनाज़ो कंदो आहे, त अॼो कोई हज़ारनि जो मेराको गवाही थो ॾिए त हू दुनिया में बि क्रिमिनल हुयो, आख़िरत में बि सुरख़रू थी। धरणे में शरीक थींदड़ मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टी जे अॻवाननि डॉक्टर कादिर मंगसी, एजाज़ सामटियो, सनान खान कुरैशी, नसरत सर अब्बासी, फ़ताह चनो, मुश्ताक सरकी ऐं नौजवान क़यादत सां गॾु वकील बिरादरी बि धरणे में शरीक हुआ। धरणे खे सिंध सरकार जे ॿिनि वज़ीरनि पिणु शामिलु थी वॾे वज़ीर जो पैगाम ॾिनो ऐं बिलावल ज़रदारी जे नोटिस वठण जो पिणु पैगाम ॾींदे वारसनि जी मर्ज़ी मूजिबि केस दाख़िल करण लाइ खेनि पाण सां गॾु थाणे ते वठी विया। उनखां पोइ वज़ीर आला सिंध पुलिस ते सख़्तु नाराज़ थींदे चयो त इहो केस पुलिस ते बि दाख़िल थियणु खपे। इरशाद रांझाणी वारे वाके मूंखे लोॾे छॾियो आहे। जुडिशियल इंक्वायरी का रिक्वेस्ट की चीफ सेक्रेटरी को कि आप लिखें होम सेक्रेटरी साहब को कि वो जुडिशियल इंक्वायरी करें।
اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی پولیس کی, کمیٹی دو دن سے تفتیش کر رہی ہے, اور جیسے ابھی بتائے جو میں پہلے اپنا ابھی دیکھ رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہی باتیں کہی تھی کہ پولیس کس وقت پہنچی, کس وقت اس کو اسپتال لے گئی, اس لیے کہ اس قتل میں پولیس بھی انوالوڈ ہے. میں یہ اور میں نے آج آرڈر کیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ جو پولیس والوں نے, یہ انسانیت مر گئی ہے. وہ بندہ چاہے چور ہو تکے تو میں نہیں اللہ میں ایک تو اس کو لکھتے ہیں ڈیکوائٹ, وہ بھائی تم نے تفتیش یہ کر لی ابھی تک کہ وہ ڈیکوائٹی تھی, باقی جو اس کو مرتا ہوا دیکھا وہ تمہیں نظر نہیں آیا, ادھر جو تڑپتا ہوا وہ نظر نہیں آیا تم لوگوں کو, وہ ڈیکوائٹ لکھتے ہیں اس کو. کئی بار میں نے کہا بھائی جب تک تم ابھی تو خود کہہ رہے تفتیش نہیں ہوئی, جب تک تفتیش نہیں ہوتی آپ اس کو کچھ لفظ نہ کہیں. دھرنے میں شریک ماڑن تھانے جو رخ پیو, ان کا پوئے تھانے تے دھرنو ہنی بیٹھل ایف آئی آر کٹن تائیں ویٹھا رہا, ان کا پوئے ایف آئی آر رحیم شاہ متھا کٹی وئی. کیا ہاں ڈسن یہ ہے تو شاہ ارشاد رانجھانی کے قاتل کے سزا ملی سکندی یا نہ. کترن جا ڈاکن کا سندھی قوم سندھی مانو ایک مسلسل جبر تکلیف پیڑا ڈس ایمپاورمنٹ جی فیز میں گزری ان دوران سندھی مانو جی ہر ان آواز کے دبائن ختم کرن کچلن کی کوشش کی وئی ہے, جو کو پینے وطن پینے حقن پینے وسیلن پینے مانن ان جی درجن دردن جی گال کرے تو سجے پیریڈ میں کوشش یہ کی وئی ہے تو مکمل طور پہ سندھ کی جی جکا قومی تحریک ہے ان کے ختم کیا وجے یا ان حد تینوں کیا وجے جو آواز اتھارے نہ سکے. ان عرصے دوران اساں کے سب ڈزنس جی تعداد میں سندھی قومی کارکنن جا چچڑیل لاش ملیا ہیں. ان سجے عرصے دوران سون جی تعداد میں سندھی قومی کارکن گم کیا ویا ہیں, اجا تائیں گم ہیں. سندھی پارٹ سندھی اوے پارٹیوں جے سندھ جی قومی حقن جو گال کن تھوں جمہوری حقن جو انسانی حقن جو ان کے ریاست تشدد ذریعے پہنچی اسٹریٹجی کری یا کوشش کری ہے تو ان کے توڑ جے کمزور کجے ختم کجے. ان صورتحال میں جڑے سندھی مانن میں ایکڑو سخت تکلیف جو بے چینی جو ایکڑی کیفیت ہے جن میں ویچارگی کی حالت ہے جن میں دھڑی نہ سائیں سمجھ جو تو کوئی بھی مانو نہ ہے جو کو سندھی قومن جی حقن جی جکا سا حفاظت کرے سکے, اکیلائی جو احساس ہے بدی نہ ہے. ان میں ایکڑو واقعہ تھے تو واقعہ قتل جا کھوڑ سارا تھن تھا, پر جکا بے دردی جکا حیوانیت ان واقعے میں ہے, جو کو ایکڑو مانو جو کو ننڈو سیاسی کارکن ہے
कराची डिवीजन जो जी सिंध तहरीक जो सदर है जी जी हालत में सवन मान के अगर उनके कत्ल कयो तो वने उन जो जज्बो पैदा कयो है सिंधी कौम में तेकड़े न उथ्यासों न गड थ्यासों न आवाज उथारियोसी ते मिटजी वेंदासू ए मारजी वेंदासू ए नतीजे में जो सिंधी कौम जो जो रेस्पॉन्स है तमाम अलाई मानुन जे लाए अनएक्सपेक्टेड है उनके अनएक्सपेक्टेड ये कौन तो समझा छाकाणि सिंध जे मानुन मंझि जो सियासी कम थियल है उन जा बिज एडा गहरा है उन जो पारू एडियो गहरियों हैं जो जदे भी उनके मुआफिक माहौल मुआफिक लीडरशिप मुआफिक पार्टियों मिलन थी तो वो आवाज वरी भी उथरी पवे तो इन सजे वाक्य उन रद्द अमल जो जी नतीजा जी से असि कौमी पार्टियों के सीखण खपन उन पिराण खपे तो सिंधी मानू ये कमजोर ना है सिंधी मानू जद उथे तो उनमें अथाह जज्बो कुवत है पैं जरूरत इन गाल की है सारी जी सूरताल पैदा थी है ये न समझण खपे माजी वांगिया सिंधी कौम जा जी मुखालिफ या दुश्मन आन उ कोशिश कंदा तो सारी गाल के कें लय मटे कजे कें उनके उन जो सो जो जज्बो है उनके खत्म कजे या विरहजे या वरी भी डिमोलाइजेशन वो जो सूरताल पैदा कर कजे तेकर असि सभी जी दुरियों जी सिंध के कौमी हकन में यकीन रखन थी उन गाल नजर रखन खपे दुश्मन की स्ट्रेटजी से नजर रखन खपे गाल भी तो इन सारी सूरताल सिंध के मानुन मंझि जो अथाह जज्बो पैदा किया है उन जज्बे के रुगो यो समझण खपे तो हि रुगो अकेलो कत्ल ना है ये सब गाल एक बे से लागापल है कौमी गुलामी कौमी हकन ते दाड़ो ये सब गाल गडल जेस तक उन गडल जिदोजहद न कबी तेस ती इन किस्म इन का भी बदतर जैसे वाक्य पेश इंदा एक गाल सिंध के वडेरे के जो हुकूमत में वेठो आ उनके भी गाल समझण खपे तो जी सिंधी कौम सिंधी कौम की हक हक में पैं धरती से न रो तो यो न समझन तो अज जी हाकिम आज तो सुबाने भी सूरताल रही वो भी इं दर बदर थन्दा जो बाकी सिंधी मानू दर बदर रहन ते कर इन गाल पूरी उम्मीद आयो तो सिंधी कौम जैमें जो यो जज्बो है यो कायम रहो इन बेहतर रुख जी जी असी सिंधी कौम के पैं हक की जो है सा हासिलात लाए उन जुदोजहद के वधिक सगार कर सको चलो हमारे साथ चलो लेकर हाथ चलो मोतल थे जो असाके तो लेबल आनी हरास करे तहवान करे धड़का देई गुम करे दहमान कंदो तो बस आवाज उतारियो हु धरती टीवी ते ता दोस्तन को पैगाम दिनो असा रियासत के खिलाफ नायू पर असा के जुल्म के चुप भी त नजर आई सकू इन करे मां पांजी साफ साइड ते करे मां पांजी बोली साइड ते करे मां पांजी सरकरी सरकी बिरादरी साइड ते करे एक एजेंडा थी निकतो मां इरशाद रंजानी सा
थ्रू आउट कैरियर साफती कैरियर में मध में मध बैठे बेरा प्रेस कर ते मिले हो मुंजी वेजरा सा ना रही पर जदे उन जी वीडियो दिसौ था जदे उन जो किरी उतन उती किरण तड़पन दिसौ था त हर के जो जमीन झंझोरे तो किस किस वक्त पहुंची किस वक्त उसको अस्पताल ले गई इसलिए कि इस कत्ल में पुलिस भी इन्वॉल्वड है मैं ये और मैंने आज ऑर्डर किया है और मैंने कहा है कि जो पुलिस वालों ने ये इंसानियत मर गई है वो बंदा चाहे चोर हो तके तो मैंने अल्ले मैं एक तो उसको लिखते हैं डेकॉइट वो भाई तुमने तफ्तीश ये कर ली अभी तक के वो डेकॉइट ही थी बाकी जो उसको मरता हुआ देखा वो तुम्हें नजर नहीं आया उधर जो तड़पता हुआ वो नजर नहीं आया तुम लोगों को वो डेकॉइट लिखते उसको कई बार मैंने कहा भाई जब तक तुम अभी तो खुद कह रहे हो तफ्तीश नहीं हुई जब तक तफ्तीश नहीं होती आप इसको कुछ लफ्ज ना कहें।